दीदी दिखा रहे है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी ना बाबू बिट्टू तनु को ना काफी परेशान कर रहा है। क्यों पता है, बिट्टू और तनु की आज छुट्टी है। आज 17 तारीख हो गई है, 17 ही है कि नहीं? आज 17 तारीख है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज छुट्टी किस बात की है। आपको अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बिट्टू बोल रहा था उसकी स्कूल की छुट्टी है, कल मैं लेने के लिए गया था ना तो बोल रहा था वो। तो अभी बिट्टू तनु की पढ़ाई हो रही है और ये अलग से कुछ पढ़ा रहा है, और नहीं अगर सुनते ना इसकी तो मारता है ये। ये देखो, इधर बिट्टू अलग पढ़ाई कर रहा है और वो तनु अलग पढ़ाई कर रही है। और अब देखना, अब ये कुछ करेगा, देखना चुप। अब ये इसका अलग ही पढ़ाने जाएगा, देखना अभी जाएगा पढ़ाने, देखना। मैं कुछ भी नहीं करने के लिए बोलूं, अगर बिट्टू नहीं बोलेगा तो मारेगा। अगर बिट्टू नहीं बोलेगा तो मारेगा, खुद से ही भग पड़ेगा, देखना है। क्या क्या हुआ, कैसे करते बाबू? क्या बोलना है मुझे? कुकु कैसे बाबू कुकु कैसे? कुकु अब बैठा। अब ये तो मेरी परिक्रमा कर रहा है, देखो घूम रहा है कैसे हंसता है ना। एक डिस्प्ले लगा दे तन्नु, जरा हट ना। ठीक है, आ जाती। ठीक है, नहीं मैं तो ब्लॉग बनाना ही भूल गया। तो अभी मम्मी के साथ आया था मैं, समय थी गेहूँ वगैरह लेने के लिए, घर लेके जा रहा हूँ गेहूँ। और मम्मी ने थोड़े से चावल रख लिए। देखो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर, मतलब राशन वगैरह ले लेके आ गया हम लोग घर। और यहाँ पर दीदी ना चींटियों के साथ रोटी खा रही है, मतलब दीदी खाना खाने बैठे हो। तो ये रोटियों में ना, ये बिट्टू तनु क्या करते हैं, शक्कर से रोटी खाते हैं और वैसे ही रोटी को छोड़ देते हैं टिफिन में, फिर चींटियां हो गई सब। देख देख के खाओ, लाल लाल चींटियां खाते ना, अंधे हो जाते। खाओ वैसे मम्मी है ना टिफिन में, थोड़ी सी भी आप भी तो, तो, तो आप भी इनको शक्कर खाने की आदत मत दिया करो। अरे ये कपड़े ऐसे गंदे कर दोगी यार। तो दोस्तों अभी 5:15 बज गई है और छोटी गुड़िया है ना, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो उसको अभी हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। दीदी बता रहे क्या हो गया, सर्दी हो रखी, तो बाप दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ देख लेंगे वरना भगवान पर ही ले जाना पड़ेगा। अरे देख लेते, मेरा इन्ने का इलाज 3 दिन का था चला है, तो कभी फटाफट मैं मार्केट जाता हूँ दीदी को, मतलब बाबू को लेके, गुड़िया को लेके, और बाबू को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, वो तो रोता है। बाबू यहीं खेलो ना नानी के साथ, नानी के साथ यहीं खेलना है, बाय। तो दोस्तों अभी हम आ गए डॉक्टर के पास, वो दीदी दिखा रहे हैं। ये बाबू देख के उधर ले जाऊंगा तो रोने लग जाएगा। चल दिखाओ डॉक्टर को, क्या डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर को दिखा है क्या क्या। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग आ गए गुड़िया को दिखाकर, या तो बच्चों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए खरगोन लेके जाना पड़ेगा। बाकी एक सीसी दी हुई है, उसमें से 2-2 बूंद पिलाने के लिए बोला हुआ है। और मम्मी खाना बनाने लग गए, शाम का खाना लगभग बन ही रहा है। इसमें है उड़द की दाल, मम्मी ऑयल थोड़ा कम डाला करो, कमी है वो मेरी अच्छी लाल है ज्यादा, तो मिर्ची कम डाला करो। दीदी को ज्यादा चड़का नहीं खिला सकते है, दीदी नहीं खाएगी, दीदी तो ही खाएगी। अच्छा अच्छा, दीदी के लिए दूसरा खाना बनाया हुआ, फिर ठीक है। दीदी को इतना तेज मिर्ची थोड़ी देगी। हाँ वेरी गुड, लगभग रोटियां बनने वाली है। दीदी के लिए थोड़ी बनी है, थोड़ी बना रही है। एक और बात, आज काफी दिनों के बाद ना कमल का काम लगा हुआ है, ट्रैक्टर चलाने के लिए गया है। जैसे उसका काम लगता नहीं, फिर मैंने पूछा था कि रोज चलेगा कि नहीं काम, तो बोल रहा था सिर्फ आज के लिए ही मिला है। रेगुलर अगर उसको काम मिलता रहे तो अच्छा रहे, बाकी उसको भी काम से लगाना ही है बस। क्या मेन सामने शादी आ गई है, तो शादी हो जाए ना उसके बाद उसका भी काम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, दुकान वगैरह उसको खोल के दे दूंगा मैं, ठीक है। बाकी और कल के ब्लॉग में तो आप लोगों के साथ शेयर करा था सिचुएशन क्या चल रही है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो ये तन्नू खाना खाने लग गई है, ये कितना सारा खाना खा रही है, चोरी इतना चाला खाना खाओगी।
और एक छोटा बच्चा और ये हमारी गुड़िया रानी जिसकी तबीयत खराब है, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए थे। दीदी अंदर के अंदर सर्दी हो रखी ना, बाहर नहीं अंदर अंदर सर्दी ऐसा कुछ हो रखा है। एक दिन में अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो घर को दिखाना पड़ेगा। सर ये कमर को देखो, आज इसका लगा था काम, क्यों काफी दिनों के बाद। वाह ये तो जेके श्राफ नहीं मिथुन लग रहा है, ये तो मिथुन ऐसे कपड़े पहनता है। मम्मी आपने मिथुन की मूविया देखी हुई है ना, देखो इसका लुक देखो कमल। अरे ये इसकी तिजोरी के बारे में सब बोल रहे थे, क्या बात है कमल के पास तिजोरी है। तो दोस्तों शायद आप में से किसी ने कल का पूरा व्लॉग नहीं देखा, ये कमल के अकेले की तिजोरी नहीं है, ये ग्रुप का पैसा है। मतलब पूरे मोहल्ले में ना लड़कों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं। फिर जैसे कि अभी माता का टाइम आया था तो माता में पूरे पैसे लगाए और पैसा इकट्ठा करके सामान लाएंगे और वो वाला सामान लाएंगे, क्या बोलते उसको पंडाल का, मतलब जो रहता है ना टेंट वगैरह, फिर वो बर्तन वगैरह रहते हैं ना, वही वो सामान लाओगे। क्या हो गया नहीं अभी तक खाना? हाँ गर्मी तो रही। कितने का लिया रुमाल? अच्छा लग रहा है, 90 रुपए का अच्छा लग रहा है। तो अरे अच्छा है दीदी, पर अच्छा है, बहुत अच्छा है रुमाल। ये तो सो एक नंबर है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा हो। पर 90 रुपए ज्यादा ही दिया है, फिर भी 90 रुपए ज्यादा ही दिया है। 120 में कहके बताते हैं, नहीं मिलता। अभी देखो ये हल्की फुल्की सी बारिश भी होने लग गई है, छींटे आ रहे हैं अभी तो, ये निशान दिख रहे होंगे गाड़ी के ऊपर। ये देखो मौसम जैसे ही खराब होता है ना उसके बाद से ना डर लगने लग जाता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे अभी क्या हादसे हो रखे हैं, 2 हादसे हो गए जिसमें। तो दोस्तों फटाफट कर लेता हूँ मैं इस ब्लॉग का, बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पर ना फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ और साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा आपको। और दोस्तों मेरी शादी को लेकर भी आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट मैंने नोटिस करे कि आप कब से बोलते हो कि शादी होने वाली है, लेकिन शादी होती ही नहीं। तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है मेरी शादी को, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ भी डेट रिवील कर दूंगा, ठीक है। और कुछ ही दिनों में अभी नया के लिए कपड़े वगैरह लेने के लिए भी जाना है, मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था, बस थोड़ी पैसों की दिक्कत चल रही है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने कुछ पैसे उधार दे रखे हैं जो कि अभी तक मुझे वापिस नहीं मिले, रिलेटिव में दे रखे हैं, जैसे पैसे वगैरह सब मिल जाएंगे उसके बाद से शादी की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, फिर कपड़े वगैरह भी लाने हैं, ठीक है। तो बाकी की बातें होती रहेगी दोस्तों, फिलहाल के लिए बाय। तो दोस्तों अभी ये जो ब्लॉग देख रहे हो ना ये कम्युनिटी गाइडलाइंस में आ गया था, पता नहीं किस वजह से। तो जैसे मैंने यूट्यूब पर इसको अपलोड करा ना, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली यूट्यूब ने इसको रिमूव कर दिया। देखो मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, साइड में देखो आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। 2-3 दिन पहले भी मेरे साथ ये हुआ था और कुछ और भी वीडियोस मेरे यूट्यूब ने हटा दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस रीजन से हो रहा। बट अगर मैं उस पर जाके चेक कर रहा हूँ तो वो चाइल्ड सेफ्टी के हिसाब से कुछ हो रहा, क्योंकि घर में 4-4 बच्चे हैं ना, बिट्टू तन्नू बाबू फिर गुड़िया, तो हो सकता है किसी न किसी वीडियो में कुछ ऐसा हो गया होगा जो कम्युनिटी गाइडलाइंस में आ गया होगा, उसकी वजह शायद रिमूव कर दिया होगा यूट्यूब ने। बट उससे मेरे चैनल पर अभी कोई इफेक्ट है तो नहीं दिख रहा है, बट 2-3 बार हो गया तो मुझे ना डर लगने लग गया कहीं है कहीं स्ट्राइक वगैरह नहीं कहीं मिल जाए यार। तो और भी मैं सेफ्टी रखूँगा ज़्यादातर, ठीक है। तो अब फिर से मुझे ये क्लिप जोड़ना पड़ रहा है उसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारा क्लिप वहाँ से हटाए, ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस रीजन से आ सकता है, मतलब वीडियो रिमूव हो सकता है, तो वो सारे क्लिप मैंने हटाए। तो और फिर ये क्लिप मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी हो या आप में किसी के साथ ऐसा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए बाय।